अस्सलाम वालेकुम। पकवान टाइम में आप सबका वेलकम है। आज हम बनाएंगे पनीर बहुत ही आसान तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आने पर लाइक और शेयर कीजिए। गैस ऑन करिए। 1 लीटर दूध है, मीडियम लो पे रखेंगे, हाई रखेंगे तो भगोना जल जाएगा, और हिलाते जाएंगे। आप इस तरीके से बनाइए, जरूर बहुत अच्छी पनीर बनेगी। हिलाते जाइए, उबाल आए तक हिलाइए। अब हिलाएंगे हिलाएंगे, उबाल आए तक हिलाएंगे। देखिए उबाल आ गया है, 1-2 उबाल आए तक दूध पकाएंगे। और मेरे पास ये नींबू बड़ा है, नींबू बड़ा है एक, और ये हाफ है। मैं इसका जूस निकाल ली 1.5 का, जितना जरूरत पड़ा। अगर एक कपड़ा तो एक डालेंगे, और 1.5 कपड़ा तो 1.5 डालेंगे। गैस लो फ्लेम पे है, बिल्कुल लो फ्लेम पे रखिए। अब साइड से नींबू डालिए, आहिस्ता हिलाते जाइए, आहिस्ता मिक्स करिए। फिर 2 टेबलस्पून फिर डालिए, फिर आहिस्ता मिक्स करिए। देखिए धीरे 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 धीरे, देखिए लम्स आ रहे हैं। देखिए और 1 स्पून डाल देंगे, इतना बचा मेरे पास। देखिए अच्छे लम्स आ गया, देखिए पानी अलग हो गया। अब इस सूरत में गैस ऑफ कर देंगे। देखिए पानी अलग आ गया, देखिए पानी अलग है, पनीर अच्छी निकल गई। देखिए अब गैस ऑफ है, पनीर अलग निकल गई है, ये पानी पूरा ड्रेन कर देंगे। एक बोल में स्टेनर रखिए। मेरे पास ये वाइट कपड़ा है मलमल का, आप लोग भी वाइट इस्तेमाल करिए, कलर का मत लीजिए, कलर छोड़ेगा। धीरे धीरे डाल दीजिए, देखिए पानी पनीर का निकल गया है इसमें का पूरा। अब ये जो पनीर निकली, इसको ठंडे पानी से थोड़ा साफ, अच्छा 1 जग पानी लगे साफ कर लेंगे, क्योंकि नींबू का खटास निकल जाना पूरा। नीचे ऊपर करके नींबू की खटास पूरी निकाल देना। इसको एक अच्छा शेप दे लेंगे, दबा के पानी निकाल लेंगे पूरा, ताकि पानी ना रहे इसमें।
एक लीटर दूध है ये, तकरीबन 200 ग्राम 250 ग्राम पनीर बनी एक अच्छा शेप दे देंगे। ये पनीर रखकर इसके ऊपर एक वेट की चीज रख देंगे एक घंटे आधे घंटे एक घंटे तक, ताकि पूरा पानी ड्रेन हो जाए इसमें का। पहले हमारे पनीर हो गए होंगे, चेक करेंगे। देखिए अच्छा एक शेप आ गया उसमें, इसको कट करेंगे। देखिए अच्छे सॉफ्ट है। चलिए हमारी पनीर